पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान पर ये बातें कही। ईरान में दो लोगों को फांसी। ईरान में दो लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन्हें ईश निंदा का दोषी पाया गया था। ईरानी न्यूज वेबसाइट मिजान ने फांसी की पुष्टि करते हुए बताया कि युवकों का नाम यूसेफ मेहरदाद और सदरोला फाजेली जारे था। इन्हें मध्य ईरान में अरक जेल में फांसी दी गई। वेबसाइट के मुताबिक इन दोनों को ईश निंदा के अलावा इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने सहित कई मामलों में दोषी पाया गया था। इसमें से एक मामला कुरान को जलाने का भी था। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही इस्लाम के प्रति नफरत फैलाने और नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए दर्जनों वेबसाइट भी चला रहे थे। उधर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर बने अमेरिकी आयोग के मुताबिक जिन दो लोगों को फांसी दी गई, उन्हें मई 2020 में टेलीग्राम ऐप पर अंधविश्वास और धर्म की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आयोग के मुताबिक पकड़े जाने के बाद इन दोनों को किसी अज्ञात जेल में रखा गया और इस दौरान उन्हें उनके परिवारों से भी नहीं मिलवाया गया। ईरान ने पिछले 10 दिनों में हर 6 घंटे में एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाया है। इसका खुलासा ईरान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईरान में पिछले 10 दिनों में 42 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। ये भी बताया कि मौत की सजा पाने वाले लोगों में ज्यादातर अल्पसंख्यक बलूच समुदाय के लोग हैं। 3 दिन पहले ही ईरान और स्वीडन की दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति हबीब फराजुल्ला छाप को फांसी पर लटकाया गया था। इस पर आतंकवाद के आरोप थे। ईरान ने 2020 में इसे स्वीडन से किडनैप किया था। इस मामले में सोशल मीडिया पर यूजर्स की भी अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक शख्स ने ट्वीट किया, ये तो बहुत सामान्य सी घटना है ईरान के लिए। यदि भारत में बलात्कारियों को सरेआम फांसी हो तो एक सनसनीखेज खबर बनती है। एक ने लिखा, कुरान और मोहम्मद साहब का अपमान गुनाहे कबीरा है, जिसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है शरीयत में। एक और ने लिखा, इसी तरह भारत में भी बलात्कारियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। तौसिफ खान रजवी नाम के एक शख्स ने कहा, बहुत अच्छा काम किया ईरान ने, ये भारत में भी होना चाहिए। कोई भी किसी के धर्म के बारे में बोलता है, उल्टा सीधा उस पे कार्रवाई हो। वहीं एक शख्स ने पूछा, कहाँ है अभिव्यक्ति की आज़ादी? ये लोकतांत्रिक सोच का गला घोटा गया है। आपको बता दें, मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक 194 लोगों को फांसी दी है, जबकि इनमें से कुछ फांसी की सजा को ही सार्वजनिक किया है। ज्यादातर मामलों में मौत की सजा पाने वाले लोगों पर ड्रग्स के मामलों से जुड़े आरोप थे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।